नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। देखो, इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है मॉर्निंग में, एंड जब पार्ट 1 आया था तो मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि इसके 3 पार्ट आएंगे, बट माफ कीजिएगा, इसके 4 पार्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा भी है। और मैं चाहता हूं कि ऐसा एक भी पॉइंट इस चैप्टर में ना रहे जो आपके समझ में ना आए, ठीक है। मैं चाहता तो केवल एक पार्ट में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि एक भी शब्द, एक भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो कि आपके माइंड में ना बैठे। आप इसीलिए देखिए क्या होता है कि कई बार लोग हमें छोड़ के चले जाते क्योंकि हम ज्यादा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने जो जो डिस्कस किया था एक बार देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। देखो, हमने पार्ट 1 में सबसे पहले ही देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक क्या क्या पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के आप लोग उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने देखा था कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। देखो, हमारे यहां पर पहले मुगलों ने राज किया, ठीक है। उससे पहले हमारे यहां पर हिंदू राजाओं का शासन था, फिर मुगल आए, मुगलों ने काफी सारे मतलब आतंक ढाया, यहां युद्ध किया, वहां पर लूटपाट मचाई, यहां पर मतलब मारा काटी की वहां की। इसके बाद में आ जाते हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों ने हमारा भरपूर इस्तेमाल किया, हमारे के संसाधनों का इस्तेमाल किया, लोगों की जिंदगी पर कब्जा कर लिया, जैसे चाहते थे वैसे राज करते थे। फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार ये देश क्या है और किसके लिए है, हम यहां पर रहते हैं, यहां के संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते, तो मतलब हमारा यहां पर है क्या। फिर धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया कि भारत का मतलब है यहां पर रहने वाली जनता, और भारत के सभी संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार केवल भारत के लोगों का है, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहां पर राष्ट्रवाद की भावना जगी। कैसे जगी, पूरी कहानी आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगी, ठीक है। और कैसे मतलब पार्टियों का गठन किया गया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो 1885 में की गई थी 72 पत्नियों के द्वारा, ठीक है। कैसे कांग्रेस ने अपने आगे के मतलब कदम बढ़ाए, कैसे आजादी की मांग की, इस चीज को हमने देखा। फिर हमने देखा उभरता हुआ राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र के अंदर तो आ जाए राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई थी, राष्ट्रवाद की भावना जग गई थी, लेकिन राष्ट्र आगे कैसे बढ़ा, ठीक है, इस चीज को भी हमने यहां पर देखा। कांग्रेस ने कैसे आगे बढ़ने के लिए मांग की सरकार से, इस चीज को हम देख चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। देखो, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस ने सरकार से अधिक सरकार में जगह मांगने की बात कही, ठीक है, और मतलब अधिक नौकरियां मांगने की बात कही, ये आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, धीरे धीरे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस की नीतियों से परेशान थे, उनके बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई एक भी ऐसा टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, एंड एक बार जय हिंद जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। सबसे पहले हेडिंग मिलती है पार्ट 2 में आपकी, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। उसमें कहा जा रहा है कांग्रेस की स्थापना की कुछ वर्षों बाद, यानी कि 1890 में, 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और लगभग 5 साल बाद बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के जो राजनीतिक तौर तरीके थे इन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि भाई आप ये कैसे क्या काम कर रहे हो। देखो, एक बात याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है, ठीक है, तब तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से चलता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे रेसर है, जब दौड़ना शुरू करेगा तो स्टार्टिंग में बहुत तेज से दौड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार धीमी होने लगती है, ठीक है। ऐसा ही हर क्षेत्र में होता है। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब तो इसने सरकार से बहुत सारे क्षेत्रों में अपने लोगों के लिए मांग की, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस के काम ढीले होने लगे, और दूसरा राजनीतिक तौर तरीके जो थे इनके, कि मतलब इनको निवेदन की रणनीति अपनाते थे, निवेदन करते सरकार से, मांगते थे, ठीक है, तो इस रणनीति पर भी लोग सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, इनके जैसे कुछ नेता थे जो कि आमूल परिवर्तनवादी थे। आमूल परिवर्तनवादी यानी कि तुरंत परिवर्तन चाहने वाले, ठीक है, और आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे, ठीक है। इनका कहना था कि भाई हम निवेदन के लिए यहां पर नहीं बैठे, ये हमारा देश है, और अपने देश को गुलाम बनाने वालों से हम निवेदन नहीं करेंगे, हम उनको मार के यहां से भगाएंगे, ठीक है। ऐसे लोग थे ये आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य से
लोग आगे बढ़ने लगे। इन्होंने निवेदन की रणनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की, जो कांग्रेस और जो ऐसे लोग थे जो निवेदन करके आज़ादी पाना चाहते थे कि भाई प्लीज हमको आज़ादी दे दो, ठीक है, जो निवेदन करके अधिकार मांगना चाहते थे उनका इन्होंने क्या किया, आलोचना की, ठीक है, आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने कहा, जो ये मतलब आमूल परिवर्तनवादी जो नेता थे, इन्होंने कहा कि भाई आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा और रचनात्मक कार्य करने होंगे जिससे कि आपका विकास हो। और इनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपने ताकत पर भरोसा करना चाहिए। इनका कहना ये था कि मान लो कि आज सरकार है, ठीक है, मतलब कई सालों से सरकार है, हमारे लिए बुरा सोचती आ रही है, लेकिन अगर सरकार हमारे लिए एक दिन के लिए कुछ अच्छा काम कर देगी तो हमें सरकार का फैन बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले हमारे साथ बहुत गलत किया है, ठीक है, और आज भी गलत कर रहे हैं। तो इनका यह कहना था कि उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों, यानी जो सरकार अपने नेक इरादा दिखा रही है कि हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, इन इरादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, यह देश हमारा है और हमारे ही देश में आकर के हमें अधिकार देने वाले तुम होते कौन हो, अंग्रेजों को ऐसा कहा गया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को मार के भगाना चाहिए, अंग्रेजों से हमें अधिकार मांगने नहीं है बल्कि उनसे छीनने हैं, ठीक है, स्वराज के लिए लड़ना है हमको। तिलक ने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इससे नारे को लिखिएगा, ठीक है। तिलक के संपादन में निकलने वाला एक मराठा अखबार था, कौन सा था, मराठा अखबार था, याद रखना, कभी कभी इसकी भाषा पूछ देते तो मराठा अखबार था। प्रश्न आ जाता है कि अखबार का नाम क्या था, तो केसरी था, याद रखना, ठीक है। केसरी भी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक था, इसने भी काफी सारी आलोचना करनी शुरू कर दी थी, किसकी, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश शासन की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। देखो क्या था, 1890 के दशक तक मतलब आमूल परिवर्तनवादी नेता उठ खड़े हुए थे, ऐसे नारा देने लगे थे, आगे बढ़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इनको स्वराज के लिए लड़ने लगे थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए काम करने लगे थे। आते आते 1905 जब हुआ तो वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब बंगाल का विभाजन जब किया गया तो उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ठीक है, यानी बंगाल जो सबसे बड़ा प्रांत था ब्रिटिश भारत का, बंगाल की ताकत को आधा आधा कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है, लेकिन परंतु इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। देखो यहां पर जब बंगाल का बंटवारा किया गया था तो इसका इन्होंने कारण ये बताया था कि भाई बंगाल का बंटवारा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां पर शासन चलाने में हमको मदद मिल सके, पूरा इतना बड़ा राज्य है उसे हम चला नहीं पा रहे हैं और अगर छोटा राज्य होगा तो उसे हम आसानी से चला पाएंगे। इन्होंने कारण तो ये दिया, लेकिन इसका असली कारण था, जो इसके ताल्लुक थे वो अंग्रेज अफसर और व्यापारियों के फायदे थे। अगर ये राज्य को बंटवारा कर देंगे तो इससे अंग्रेज अफसरों को और व्यापारियों को फायदा होने वाला था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाके को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। देखो जब बंटवारा किया गया तो इसको बंगाल जो था, ठीक है, इसमें दो भाग थे, एक गैर बंगाली वाला था, एक बंगाली इलाका था, तो इन्होंने क्या किया, गैर बंगाली इलाके को अलग नहीं किया, ठीक है, बल्कि क्या किया, पूर्वी भाग को जो कि बंगाली भाग था उसको अलग करके असम में मिला दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य रहा था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, ठीक है। बंगाल में क्या था, राजनेताओं का प्रभाव काफी बढ़ गया था, वहां पर नेता लोग आमूल परिवर्तनवादी बन गए थे, वहां पर मतलब बड़े तौर पर धरना वगैरह, मतलब बहुत सारे काम होने लगे थे। तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि अगर ये जो नेता लोग हैं, अगर इनकी ताकत कम हो जाएगी तो अंग्रेज अफसर और वहां के जो व्यापारी हैं उनको होगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर बंगाल की ताकत को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है। बंगाल का विभाजन जब किया गया तो पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया गया और असम में मिला दिया गया, और जो गैर बंगाली वाला इलाका था उसे बंगाल में ही रखा, ठीक है। अब जब ऐसा किया गया तो इसका उद्देश्य क्या रहा था, बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, वहां के जो राजनेता थे उन पर रोक लगाई जा सके, उनको दबाया जा सके और बंगाली जनता को बांट दिया जाए, ठीक है, ऐसा अंग्रेजों ने यहां पर किया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। अब ऐसा एक बात बताइए, जैसे कि भाई कोई एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज का पूरा गठबंधन है, ठीक है, एक कॉलेज ने एक टीम बनाई और टीम बनाकर बहुत अच्छा काम कर रही हो, और मतलब सरकार आए और उस टीम को चार भागों में बांट दे और कहे कि आप दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं,
तो क्या सभी लोग गुस्से में नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा यहां पर भी हुआ। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ तो देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तन वाले जो कांग्रेस के नेता थे और जो मध्यम मार्गी नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। मतलब जो आमूल परिवर्तनवादी नेता थे और जो मध्यम मार्गी नेता थे, कांग्रेस थी, मतलब देश के सभी नेताओं ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए कि भाई इसका हम बंटवारा नहीं होने देंगे। ठीक है, इस विभाजन के विरोध में जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। कभी कभी पूछ देते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में लिखिएगा, तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन के पीछे का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, याद रखना इस स्वदेशी आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो ये जो आंदोलन था बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनगूंज सुनाई दी थी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। देखो, अगर पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया था, तो याद रखना पूरे देश ने भाग लिया था। ठीक है, लगभग पूरे देश ने इसमें भाग लिया था, और इसमें जो मध्यम मार्गी नेता थे, जो आमूल परिवर्तनवादी नेता थे, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के सभी धड़ों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, तो इसमें काफी ये बड़ा था आंदोलन। ठीक है, और ये लगभग पूरे देश में फैला था। सबसे ज्यादा ताकतवर कहाँ पर था? तो बंगाल में सबसे ज्यादा ताकतवर यह आंदोलन था। ठीक है, और जो अन्य इलाके थे वहां पर भी इसकी अनुगूंज सुनाई दी थी। आंध्र के, जिसे आज हम आंध्र प्रदेश जानते हैं, ठीक है, उसे पहले आंध्र कहा गया था, तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। ठीक है, और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। देखो, स्वदेशी आंदोलन ने केवल अंग्रेजों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि अपने आप को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा को उपयोग पर इन्होंने बात कही कि भाई हमको अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा लानी चाहिए अपनी, ताकि हम पूरे देश को शिक्षित कर सके, जगा सके, आगे बढ़ा सकें, और भारतीय भाषा का इन्होंने प्रोत्साहन किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद यानी कि संगठित किया। जो ये स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी नेता थे, ठीक है, जो आमूल परिवर्तन लाना था, इस लाने के आमूल का अर्थ होता है तुरंत। ठीक है, तो मतलब परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने जनता को संगठित किया। ठीक है, संगठित करने और ब्रिटिश स्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार करने का जोर दिया कि भाई जितनी ब्रिटिश चीजें हैं, ब्रिटिश जो कपड़ा आ रहा है, वहां के जो स्थान उन्होंने बताए बनाए घूमने के लिए, जो जॉब के लिए उन्होंने फैक्ट्रियां खोली, वहां पर आप जॉब करने ना जाओ, मतलब स्वयं सहायता, मतलब अपनी जॉब्स खुद बनाओ, ठीक है, अपना काम करो, अपने खेतों में काम करो, स्वदेशी उद्यम, अपने धंधे पानी खोलो, ठीक है, अपनी शिक्षा को उपयोग करो, जो विदेशी उनको पढ़ा रहे हैं वहां उन स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, भारतीय भाषा का उपयोग करो, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे ना अंग्रेजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया और मतलब देश को एकत्रित किया। ठीक है, कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। कुछ लोगों का मानना था कि भाई जहां कहीं भी अंग्रेज दिखे मारो कूटो और भगाओ यहां से, ठीक है, मार डालो। कुछ लोग ऐसे क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। वह याचिका और निवेदन की रणनीति का विरोध करते थे। इनका कहना था कि भाई हम याचिका नहीं करेंगे अंग्रेजों से, भाई हम अंग्रेजों से याचिका क्यों करें, देश हमारा है, यहां के सारे संसाधन हमारे हैं, तो देश पर अधिकार भी हमारा होगा, याचिका करने की जरूरत है अंग्रेजों को, हमें तो इनको यहां से मार के भगाने की जरूरत है। तो लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि मतलब आलोचना करते थे, जो राज याचिका और निवेदन की रणनीति को अपनाते थे। ठीक है, आमूल परिवर्तनवादी के एक नेता थे ये, मतलब कि एक प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, मतलब जो आमूल परिवर्तनवादी जितने नेता थे। जैसे आज आप देखो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बीजेपी के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक कौन आते हैं? मोदी जी, फिर आते हैं अमित शाह, नितिन गडकरी जी आते हैं, आज योगी जी का चेहरा बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसी तरह से जो ये आमूल परिवर्तनवादी जितने भी नेता थे उनमें से लाला लाजपत राय जी का नाम, जैसे आज मोदी जी हैं, इसी प्रकार से इनका भी नाम प्रमुख था। ठीक है, और वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा था, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। क्या किया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। किसने? मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने। कब? 1906 में, याद रखना 1906 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। अगर आपने डीपली पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की का गठन कब किया गया? 1906 में। किसने? मुसलमान जमींदार और
और नवाबों के द्वारा, ठीक है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। मतलब इन्होंने देश में जो पूरे देश में चल रहा था, ठीक है, कि बंगाल विभाजन का विरोध किया जाए, पूरा जब देश विरोध कर रहा था तब इन्होंने उसका क्या किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ठीक है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, इन्होंने कहा कि भाई पूरा देश तो एक है, ठीक है, लेकिन हम मुसलमान अलग हैं और हमें एक अलग निर्वाचिका चाहिए, ठीक है, जो इस लीग ने मांग की थी। मैं देश के सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, देश के बहुत सारे मुसलमान थे जो कांग्रेस के साथ थे, ठीक है, बहुत सारे मुसलमान थे जो कि ये आमूल परिवर्तनवादी नेताओं के साथ थे। लीग की बात करें, इस लीग में जो नेता लोग शामिल थे, इन्होंने मांग की थी कि हम उनको एक अलग निर्वाचिका चाहिए। 1909 में सरकार ने ये मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अब देखो क्या हुआ, जब यहाँ पर अंग्रेजों से इन्होंने मांग की 1906 में, जब इन्होंने अपनी एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, फिर 1909 में सरकार ने इनकी बात मान करके इन्हें मतलब आरक्षण दे दिया गया। अब मतलब कुछ परिषद थी जिनमें कुछ सीटों पर मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षण दे दिया गया कि यहाँ पर मुसलमान ही लड़ सकता है। जब आरक्षण दिया गया तो क्या हुआ, देश के जितने भी नेता थे, ठीक है, इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। यानी कि यहां से सत्ता की लालच शुरू हो गया, सत्ता की लड़ाई यहां पर शुरू हो गई, ठीक है। अगर यहां पर मुस्लिम लीग ने इसकी मांग ना की होती तो शायद भारत का कभी विभाजन नहीं होता, भारत में धर्म को लेकर के इतनी अधिक मतलब वो बातें नहीं कही जाती कि ये हिंदू धर्म की पार्टी वो मुसलमान धर्म की पार्टी, ठीक है। तो यहां पर जो मुस्लिम पार्टी निकल के आई, इसने यहां पर ये ऐसा करवा दिया, ठीक है। फिर 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस जो थी वो दो खेमों में विभाजित हो गई थी। क्या देखो, 1909 में मतलब यहाँ पर इनकी सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस जो बड़े अच्छे से आगे बढ़ रही थी, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गई। दिसंबर 1915 में फिर से दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता आई, ठीक है। याद रखना कितने सात सालों तक, एक मिनट, आठ सालों तक इस कांग्रेस में विभाजन बना रहा, ठीक है। और आठ सालों के बाद में 1915 में दोनों खेमों में फिर से एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। और इस समझौता पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने दिल्ली में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, ठीक है। देखो यहां पर क्या हुआ, जो ये मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये अलग थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ठीक है। जो कांग्रेस थी 1885 से लेकर के 1907 तक अपने आप चलती चली आ रही थी, ठीक है। 1906 में जब मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना हो गई, तब क्या हुआ, इसके एक साल बाद कांग्रेस जो थी वो दो पार्टों में डिवाइड हो, क्योंकि यहां पर जो था धर्म को लेकर के काफ़ी अधिक बातें चलने लगी कि ये हिंदू धर्म की पार्टी, वो मुसलमान धर्म की पार्टी है, जबकि कांग्रेस उस टाइम पर किसी भी धर्म की पार्टी नहीं थी, वो एक देश की पार्टी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1900 मतलब ये विभाजित हो गई और फिर 8 सालों तक इसमें विभाजन बना रहा। 1915 तक आते आते क्या हुआ, दोनों खेमों में फिर से एकता आ गई, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट फिर से एक हो गए। और उसके अगले साल जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसने और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के एक समझौता किया, ऐतिहासिक लखनऊ समझौता इसको नाम दिया गया, ठीक है। इस पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने दिल्ली में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए, यानी कि एक मिलीजुली सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया कि मिलकर के प्रचार करेंगे और यहां पर अपनी सरकार का गठन करेंगे। जनराष्ट्रवाद का उदय, अब इसको भी देख लेते हैं। अब जनता में राष्ट्रवाद का उदय, हमने एक मिनट, राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगी तो देख लिया, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ अब इसको देखो। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो गया। देखो जैसे 1885 से लेकर के और उससे भी पहले से लेकर के आंदोलन तो चल ही रहे थे, लेकिन 1919 में क्या हुआ, जो ये आंदोलन धीरे धीरे चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, ये जन आंदोलन में तब्दील हो गए। जनता पूरी की पूरे देश की जनता आंदोलन में शामिल हो गए, किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, ये सब बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक दूरों ने भी आंदोलन में अपना हिस्सा लिया, योगदान दिया, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। देखो क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर जो अंग्रेज अपने यहाँ से यहाँ पर सामान लेकर के आते, जैसे कि कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, तो जो भी वस्तुएं लेकर के आते थे उनका आयात हो गया था कम,
तो भारत में बनने वाली चीजें भारत में बिकने लगी थी, इससे भारत का जो उद्योग था वो बढ़ा था, ठीक है। औद्योगिक जो मतलब प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ था, इससे भारत का उद्योग बढ़ा, भारत में क्या हुआ कि पैसा भी आने लगा, ठीक है। भारत धीरे धीरे भारत ने थोड़ा विकास कर लिया था, लोगों के पास में थोड़ा पैसा आ गया था, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति धीरे धीरे बदल गई थी। यह इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार की रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी उसमें भाग लिया था। तो इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में यानी कि सैनिक क्षेत्र में इनका काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था, मतलब जो निजी आय आप प्राइवेट सेक्टर में जो आप काम करके पैसा कमा रहे उसमें, और व्यवसाय जो थे, ठीक है, इन दोनों में इन्होंने कर बढ़ा दिया। अब सैनिक व्यय में इजाफा तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया, मतलब जब इन्होंने सैनिक क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, ठीक है, और जो निजी आय जो लोग निजी पैसा कमाते थे और जो व्यापार करते थे उन सभी के ऊपर कर बढ़ा दिया, तो इससे क्या वो जो चीज़ें थी वो महंगी हो गई, ठीक है। युद्धक आपूर्ति की वजह से चीज़ें जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया यानी कि महंगी हो गई, और क्या हुआ आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में होती चली गई। इससे क्या हुआ देश में एक अलग प्रकार का जन आंदोलन शुरू हो गया था। दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। देखो क्या था, पहली बात तो यहां पर आपने देख ली कि किस प्रकार से उन्होंने कर बढ़ाया और इससे चीजों की कीमतें बढ़ गईं। दूसरी ओर एक और ही मिलता है, जो व्यवसायिक समूह थे वो युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे कि जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां जो लोहे थी, ठीक है, ये इनका इस्तेमाल होता था बड़ी मात्रा में, ठीक है। इसकी मांग बढ़ी, और जब इसकी मांग बढ़ी तो अन्य देशों से भारत में आने वाला जो आयातित वस्तुएं थी उनमें कमी आने लगी। जैसे कि जब युद्ध हुआ तो विदेशों से यहां पर उसी टाइम पर अपने देश में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और विदेशों से यहां पर लोहे की पटरियां आती थी और उसके ऊपर ट्रेन चलती थी। लेकिन जब युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो अधिकतर लोहा वहां पर युद्ध में जाने लगा ब्रिटेन का, और ऐसे में यहां पर लोहा आना कम हो गया। तब भारत में बनने वाले लोहे से पटरियां बनाई जाने लगी और इसमें इस्तेमाल होने लगी। दूसरी तरफ सैनिकों के लिए कपड़ा, और यहां पर भारत देश में जो विदेश से कपड़ा आता था आयात होकर के, वो कपड़ा आना कम हो गया, ठीक है। जब वो कपड़ा आना कम हो गया, जूट के बोरे वो भी आते थे वहां से आयात होकर के, तो वो जब सब आना कम हो गया तो भारत में बनने वाले जूट के बोरे बिकने लगे, भारत में कपड़े बिकने लगे, पटरियां बिकने लगी। इससे क्या हुआ, जो औद्योगिक वस्तुएं थी इसकी मांग बढ़ी, ठीक है, और इससे क्या हुआ देश में जो व्यवसायिक समूह थे उन्होंने बेहिसाब मुनाफा कमाया था, ठीक है। अन्य देशों से भारत आने वाला आयात में कमी हो ला दी, जो भी हमने देखा, ठीक है। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। जो भारत में व्यवसायिक समूह थे जो व्यवसाय करते थे व्यापार करते थे उन्होंने मतलब देश में और अधिक मतलब विकास हो, ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र में और अधिक विकास होने और मौका मिले, इसके लिए सरकार से वो मांग भी करने। लेकिन आपने यहां पर क्या देखा, तीन चीजें देखी। 1919 के बाद में एक तो जन आंदोलन में तब्दील हो गया, जो आंदोलन चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे, वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया, यानी कि पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। दूसरा, यहां पर जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई, इससे कीमतों में काफी उछाल आया, ठीक है, और उछाल आने की वजह से जो जनता थी वो मुश्किल में पड़ गई, ठीक है, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई होती जा रही थी, ठीक है। तीसरा, यहां पर उद्योग के क्षेत्र में भारतीय लोगों को काफी फायदा हुआ, ठीक है, और इससे भारत में उद्योग को बढ़ाने के लिए मांग की जाने लगी। तीनों चीजें अलग अलग हैं। इससे जनता क्या हुआ, इससे अंग्रेज परेशान थे, इससे जनता परेशान थी, इससे अंग्रेज परेशान थे। अंग्रेजों को परेशानी इससे इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों का व्यापार तबाह होने लगा था। इससे जनता इसलिए खुश थी, यहाँ के एक मिनट, इससे जनता इसलिए परेशान थी क्योंकि अंग्रेजों को सैनिक क्षेत्र में पैसा लगाना था तो यहाँ पर उन्होंने कर बढ़ा दिया था, इससे चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, ठीक है। और इससे अंग्रेज परेशान इसलिए थे क्योंकि इससे जनता यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी थी, विद्यार्थियों, आदिवासियों, किसान सभी, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है, युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। अब क्या हुआ, जब युद्ध की स्थिति और अधिक बढ़ी तो अंग्रेज सेना को बढ़ाने लगे। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा, मतलब जो विदेशी युद्ध चल रहे थे, विश्व युद्ध चल रहे थे, उसमें लड़ने के लिए, विदेश में लड़ने के लिए जो गांव में सिपाही लोग थे उनको भर्ती के लिए जबरदस्ती पकड़ा जाने लगा कि चलो तुम चलो, जिसका शरीर अच्छा देखते थे कह रहे चलो तुम बंदूक चलाओ चल के, तुम तलवार चलाओ चल के, ठीक है।
बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया कि आप दूसरे देशों में युद्ध करने के लिए जाइए। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशी सरकार का विरोध करने लगे, मतलब जो सैनिक लोग थे वो भी मतलब काफ़ी अधिक विरोध करने लगे कि भाई हमको तो ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। जो किसान थे उनको सैनिक बनाकर विदेशों में भेज दिया गया लड़ने के लिए और वो कभी वापस भी नहीं आए, बहुत सारे सैनिक थे ऐसे, ठीक है। तो ये सभी लोग सरकार का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। क्या हुआ, जब रूस में क्रांति हुई थी 1817 में, तो क्या हुआ, इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। क्या हुआ, मतलब जो मजदूर थे, जो मजदूरों ने संघर्ष किया था, जो किसानों ने संघर्ष किया, इसका बहुत ही बड़ी मात्रा में इसके समाचार फैलने लगे, ठीक है। और इसके जो समाजवादी विचार थे बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादी वादियों को नई प्रेरणा मिली। मतलब जब रूस में क्रांति हो चुकी थी और देखा कि वहाँ पर जो किसान है, जो मजदूर हैं, सभी ने भाग लिया, तो भारत में जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको एक नई प्रेरणा मिली कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इन लोगों एक अलग ही मोटिवेशन मिल गया। अब यहां पर होता है महात्मा गांधी का आगमन। क्या होता है, महात्मा गांधी का आगमन, ठीक है। एक एक टॉपिक को अच्छे समझो, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका जब पार्ट 3 आएगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कितनी, 46, ठीक है, 46 की एज में ये भारत में लौटे थे। कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और वहाँ पर नस्ल भेद पाबंदी के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला चुके थे गांधी जी, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी, ठीक है। जैसे आज आप देखो तो भारत में या फिर पूरे विश्व में देखोगे पुतिन की बहुत अधिक मान्यता है, ठीक है। पुतिन के अलावा आप देखोगे डोनाल्ड, जो ये ट्रंप जी थे, इनकी अधिक मान्यता थी। आज मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, ठीक है। किम जोंग वो कौन है, उसकी बहुत अधिक मान्यता है। तो इसी रूप से जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने क्या किया था, भारत लौटने से पहले दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद पाबंदी के खिलाफ इन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया था। अब जो अहिंसक आंदोलन चलाया था वो सफल रहा था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको एक अच्छी मान्यता भी मिल गई थी। लोग उनको आदर करते थे, इनका मतलब सम्मान करते थे। और महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। जब वो यहाँ पर आए तो एक साल तक उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया। कितने सालों तक, एक साल तक, ठीक है। एक साल तक पूरे भारत दौरे, पूरे भारत में दौरा किया, घूमे फिरे, यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और उनके हालात को समझा। समझने के बाद में उन्होंने भारत में उनके शुरुआती प्रचार जो थे चंपारण, खेरा, अहमदाबाद और स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। पहले उन्होंने एक साल तक भ्रमण किया, फिर शुरुआती उन्होंने आंदोलन शुरू किए, ठीक है। जब आंदोलन शुरू किए तो चंपारण में पहला किया, फिर खेरा में किया, फिर अहमदाबाद में, ठीक है। ऐसे स्थानीय आंदोलन के रूप में उनके काम शुरू आए, ठीक है। उनके जो प्रयास थे वो देखने को मिले। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ, ठीक है। फिर 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ठीक है। मतलब हड़ताल की थी मजदूरों ने अहमदाबाद में 1918 में, तब इन्होंने इसका नेतृत्व भी किया। फिर 1919 तक आते आते पूरी जनता एक हो गई थी, ठीक है। जिसके बारे में हमने यहां पर देखा कि जो आंदोलन था 1919 में, अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा संघर्ष था वो जन आंदोलन में तब्दील हो गया, पूरी जनता एक साथ खड़ी हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी का आगमन हमने देख लिया। अब देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। ये रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। अभी कानून क्या था इसको भी समझो। ये जो कानून था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने एवं पुलिस को अधिक अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। मतलब इसमें क्या था, इसमें जो व्यक्ति के अपने मूल अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया गया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। मतलब कोई बोल नहीं सकता है, मन चाही बात नहीं बोल सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने नियम उसमें दिए गए थे, ठीक है। तो जो मूलभूत अधिकार थे जब उन पर अंकुश लगाया गया, और दूसरा पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिया गया, ठीक है, पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए गए, तो इससे क्या हुआ, जनता जी थी वो परेशान हो गए। और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य कई सारे नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है।
और उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया, ठीक है। और बताने के बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया, रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया गया। ये आंदोलन आपको समझ में आया? देखो, जब ये आंदोलन इसलिए किया गया था, रॉलेट कानून के खिलाफ आंदोलन किया गया था, रॉलेट सत्याग्रह, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो ये रॉलेट कानून लेकर के आ रहे हैं इसे वापस लिया जाए, ठीक है। इनका प्रमुख उद्देश्य यही था, क्योंकि इनका मानना था कि व्यक्ति के पास में अपनी बुनियादी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। और इस मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों लोगों ने, और भी कई सारे नेता थे जिन्होंने मिलकर के इसे मतलब कहा कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है, और ये जो कानून है शैतान की करतूत है और निरंकुशवादी है, ठीक है। आगे बढ़ते, गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया तथा लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए। मतलब इसमें जो मतलब भारतीयों का अपमान किया जा रहा है, ठीक है, उसके लिए जो भारतीयों के ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे मतलब इस पूरे के पूरे कानून का विरोध करने के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था कि 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ये सत्याग्रह जो रहेगा अहिंसक रहेगा, ठीक है, अहिंसक कानून, अहिंसक विरोध दिवस मनाया जाए, ठीक है, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, हड़तालें की जाएं, ठीक है। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया, ठीक है, आंदोलन शुरू हो गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, याद रखना। जो ये रॉलेट सत्याग्रह था ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। कई बार प्रश्न पूछ देते हैं कि पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो याद रखना रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है, ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। देखो, अगर कोई बात है, मतलब मोटे तौर पर कही जा रही, तो याद रखना कि प्रमुखता, ठीक है, जो बड़े स्तर पर था वो शहरों तक सीमित था। और अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। दमनकारी रास्ता यानी कि जलियावाला बाग कांड। कई बार पूछ देते हैं कि जलियावाला बाग कांड क्यों हुआ था, इसी वजह से हुआ था यहाँ पर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है एक बार फिर से देख लो, ताकि जलियावाला कांड जब हम पहुंचे वहां पर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1919 में क्या हुआ, रॉलेट कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, और महात्मा गांधी जी साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कहा कि सरकार के पास में लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक है। और मतलब इसमें कानून में क्या किया गया था, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था और पुलिस को अधिक अधिकार दे दिए गए थे, ठीक है। गांधी जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये शैतान की करतूत है और निरंकुशवादी है, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने जब इसे इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया तो आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। और इसके लिए आंदोलन शुरू करने के लिए क्या किया जाए, सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाए और अहिंसक विरोध दिवस, यानी कि इसमें हमको हिंसा नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, तलवार वगैरह लेकर के नहीं आना, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह जो था ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला, कौन सा पहला, अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी याद रखना, ठीक है। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया, और सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया, दमनकारी रास्ता अपनाया, ठीक है। बैसाखी 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में जनरल डायर ने, कहां पर, अमृतसर में, याद रखना अमृतसर में, जनरल डायर ने, क्या नाम है इनका, जनरल डायर, इनके द्वारा जलियावाला बाग में इस कानून के विरोध में लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस कानून के विरोध में क्या किया, जो लोग एकत्र होकर के अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई, ठीक है। और इस जनसंहार पर मतलब गोलियां चलवा दी गई और जनसंहार कर दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गुस्सा जताते हुए उनको एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए। देखो क्या हुआ, जब ये आंदोलन काफ़ी बड़ा, ठीक है, बहुत पूरे देश ने मिलकर के जब इसमें भाग लिया और अंग्रेजों की मतलब हालत जब ढीली होने लगी, तब अंग्रेजों ने यहाँ पर दमनकारी रास्ता अपनाया और जनरल डायर ने जलियावाला बाग में मतलब इस कानून के विरोध में जो एकत्र हुए थे लोग उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। कब, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जब गोलियां चलवा दी गई इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, इन्होंने इस उपाधि को वापस लौटा दिया। और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान इसी टाइम पर जब ये आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिश
सरकार के खिलाफ हिंदू और मुसलमान इन दोनों लोगों के बीच में एकता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने, मतलब यहाँ के लोगों ने, नेताओं ने काफी अधिक प्रयास किए, लोगों ने प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम एक बना रहे, ठीक है, मतलब हिंदू मुसलमान में खटास ज्यादा पैदा ना हो, विरोध पैदा ना हो, ठीक है, लड़ाइयां ना हो, ठीक है, आंदोलन ना चले कि हिंदू हम मुसलमान तुम, एकता बनाए रखने के लिए काफी सारे लोगों ने प्रयास किया। लेकिन इसी टाइम पर क्या हुआ था, जो केरल वाला इलाका, यहां पर हिंदुओं का काफी जनसंहार किया गया था मुसलमानों, मतलब मुसलमानों ने इसका बहुत फायदा उठाया था इस टाइम पर। अगर आप आगे बढ़कर डिटेल में इस इतिहास को पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसीलिए यहां पर प्रयास किए जा रहे थे कि हिंदू और मुसलमान में एकता बनी रहे, ठीक है। और इसको लेकर के गांधी जी को बताया भी गया था कि गांधी जी ऐसा करो, तो गांधी जी ने इसको लेकर कुछ भी मतलब ज्यादा बात नहीं कही थी और आगे नहीं बढ़े थे। अच्छा, नाइटहुड क्या है, नाइटहुड को भी जान लो, ब्रिटिश राजा यानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं व जनसेवा के लिए दिया जाने वाली उपाधि जो होती है, अप्रतिम यानी कि कुछ अलग, ठीक है, अप्रतिम यानी कि कुछ अलग, ठीक है, व्यक्तिगत सफलताओं यानी कि कुछ ने, जिस व्यक्ति ने कुछ विशेष रूप से विशेष सफलताएं और जनसेवा की है उसको दी जाने वाली उपाधि नाइटहुड कही जाती थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे वापस कर दिया था। तो हमारा आज का पार्ट टू यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, और पार्ट थ्री में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन को। आई होप कि पार्ट टू आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ की लिंक दे दी है, जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।